गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी आवाज क्लियर आ रही क्या? हाँ सर। क्या हाल चाल है? फाइन सर। फाइन है, चलो फिर फाइन है। तो फिर नेक्स्ट हम लोगों को कौन सा देखना था? हम लोगों ने कल देखा होगा फ्रैक्शनल पार्ट देखा होगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा दिखता है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो लॉग एक्स और बेस में कुछ नंबर होता है, ए बोल देता हूं मैं, ठीक है? ऐसा दिखेगा आपको, लॉग बेस 10 2, लॉग बेस ई 5, कुछ भी रह सकता है ना। तो इस तरह के कुछ आपको चीजें दिखती हैं लॉग फंक्शन। अब बात करते हैं इसमें हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, मतलब एक्स के जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। तो एक्स जो है, इस एक्स में हम नेगेटिव नहीं रख सकते हैं और जीरो भी नहीं रख सकते हैं। तो एक्स कैन ओनली बी पॉजिटिव। एक्स आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो ही रहता है, जीरो भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, केवल जीरो से बड़ा रहेगा। और जो ए है आपका, है ना, बेस में ए है, वो वन नहीं हो सकता है, ठीक है? वन नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, मतलब पॉजिटिव ही रहता है सिर्फ। जैसा एक्स पॉजिटिव है वैसा ए भी पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव में भी वन नहीं रहेगा, ठीक है? ये बेसिक बातें हो गई। डोमेन मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ कि हमने कर लिया है। डोमेन क्या है कि एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वैसे तो डोमेन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा रखने से, है ना, ऐसा इनपुट देने से हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, है ना, मतलब रेंज, तो हमें सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कुछ भी मिलेगा, या इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं और ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर सब कुछ मिल जाता है। कैसे होता है ग्राफ पर ये चीज देखते हैं। तो ये आपका लॉग फंक्शन मैं बनाता हूँ, तो जैसा मैंने बताया आपको ए के बारे में कि ए पॉजिटिव रहेगा और वन नहीं रहेगा, तो यहाँ से ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जब ए आपका पॉजिटिव भी है और लेकिन वन से छोटा है, और दूसरा ए पॉजिटिव है और वन से बड़ा है ना, ए इज ग्रेटर देन वन।
तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, अभी जब ए आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा तब ग्राफ कैसा बनेगा लॉग का। ए ग्रेटर देन 1 है तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आपका लॉग का ग्राफ है, ये जो पॉइंट है ये 1,0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मैं लेस देन 1 की बात करूं, ए अगर लेस देन 1 है तो आपका ग्राफ ऐसा दिखता है ना। मैं बात करने वाला हूं जब ए आपका लेस देन 1 है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही रहेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। यहां पर भी ये जो कोऑर्डिनेट है सेम है, 1,0 ही है, तो ये आपका लॉग एक्स का ग्राफ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लॉग के अंदर दो चीजें हैं, लेट्स से ए है और बी है, प्रोडक्ट में ए इंटू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है। ऑब्वियसली जो यहाँ पर बेस रहा होगा सी, वही बेस यहाँ पर भी लगेगा सी, और वही बेस यहाँ पर भी लगेगा सी। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ ए माइनस माइनस, करेक्ट, बिल्कुल, माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये है प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, बिल्कुल बेसिक सी। और मैं आपको चीजें दिखाता हूँ इसमें क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की, थर्ड प्रॉपर्टी, कि लॉग ए रेज टू दी पावर एम, लॉग ए है पावर में एम है, तो यहाँ पर जो पावर एम है वो आगे आ जाता है और लॉग ए ये बचता है आपका, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग ए रेज टू दी पावर एम ये तो है, और जो बेस था ना बेस, वो बी की पावर एन है ना, बेस में बी की पावर एन है, तो यहाँ पर एम आगे आ जाएगा, ऐसा आप ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी से जानते हो। और जो बेस में पावर एन है वो भी आगे आएगा, लेकिन वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो बचेगा लॉग में ए और बेस में बी। बेस का पावर बाहर आता है लेकिन डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, ए रेज टू दी पावर लॉग बी और सी, ऐसा है ए की पावर में लॉग बी सी है, तो यहां पर ए और सी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ए और सी का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो बन जाएगा आपका सी रेस टू दी पावर लॉग बेस बी और ए, ए और सी इंटरचेंज हुआ है, ए और सी का पोजीशन इंटरचेंज हुआ है बस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस लेते हैं चलो। तो क्वेश्चन है आपका, सर उसके पहले एक बार बताओ एक्स क्या नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हाँ डोमेन देखो ऐसा है कि लॉग में कुछ भी लिखा है, लॉग में एनीथिंग, यहाँ पर अंदर कुछ भी लिखा है सब यहाँ पर, तो ये सब कुछ कैसा रहेगा, ये सब कुछ ओनली एंड ओनली ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चीजें ही लॉग एक्सेप्ट करता है। लॉग को हम बोले लो भाई लॉग -2 वैल्यू बताओ, कहेगा नो इनवैलिड, ठीक है। तो लॉग को बोले 0 की वैल्यू बताओ, कहेगा इनवैलिड। लॉग को हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए पूछ सकते हैं, मतलब यही हुआ कि लॉग इनपुट एक्सेप्ट कैसा करता है, पॉजिटिव, क्लियर। यस सर।
दैट वन ए इज नॉट इक्वल्स टू वन. हाँ, अब जो बेस में चीजें हैं है ना, बेस में लॉग के जो फंक्शन है वो फंक्शन ही कुछ इस तरह का है कि बेस में भी कुछ नंबर यहाँ होता है, ए होता है, बोलेट से ए बोल देते हैं, तो ये ए है ये भी पॉजिटिव ही चलेगा सिर्फ, है ना। यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर ही रख सकते हैं, कुछ भी, 1 2 3 4, 1.7, 1.2, 2.7, कुछ भी पॉजिटिव रख सकते हैं, बस 1 नहीं रख सकते हैं, बेस में 1 नहीं हो सकता है पॉजिटिव, बाकी कुछ भी चलेगा। ठीक है, यस. चलो कोई क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है इफ लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 एक्स माइनस 1 प्लस लॉग बेस 2 एक्स माइनस 2, देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या आएगा। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। यहाँ मैंने मॉड्यूलस भी लगा दिया, और लगा इसलिए दिया क्योंकि लॉग पॉजिटिव भी चीजें एक्सेप्ट कर सकता है, तो इन केस ना, इन केस अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, 1 आ रहा है क्या श्रेयस? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है श्रेयस। अच्छा, तो फिर क्या होगा एक्स का वैल्यू? वन और टू 1 और 2 होगा। अच्छा, 1 रखने से तो देखो 0 बन जा रहा है लॉक के अंदर, लॉक के अंदर 0 होता नहीं है, या सामने अभी अभी पढ़ा है, तो फिर कैसे होगा? टू. 2 भी रखने से देखो 0 बन जाएगा लॉक के अंदर, यहाँ पर 2 पुट करो तो लॉक के अंदर क्या 0 हो जा रहा है, तो लॉक के अंदर 0 चलता है क्या? नो. गड़बड़ है फिर, गलत है आंसर, आपने बता दिया आपका आंसर गलत है। चलो जी सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके पास लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इज इक्वल टू
लॉग ए प्लस लॉग बी अपने को पता है लॉग ए बी हो जाता है, लॉग ए और बी है ना, ऐसा हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड में जो लॉग के अंदर चीजें हैं उसके साथ लगा है मॉड, मतलब अगर मैं चाहे एक्स कुछ भी रख दूं, नेगेटिव रख दूं, पॉजिटिव रख दूं, है ना, बस बस वन नहीं रख सकता हूँ, वन नहीं रख सकता हूँ मैं। क्यों नहीं रख सकता हूँ वन? क्योंकि अगर मैं वन रख दिया तो पूरी अंदर वाली चीज क्या बन जाएगी? जीरो। और लॉग के अंदर जीरो नहीं चलता है। और मैं साथ ही साथ टू भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि टू रखने से भी सेम कंडीशन है, पूरी अंदर वाली चीज जीरो बन जाएगी। यहां तक ठीक है? हाँ सर, ओके चलो, तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। और हमें ये पता चला राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से हमें ये पता चला कि एक्स हम कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट वन एंड टू। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड पर आते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ मॉड जैसा नहीं लगा है जैसा राइट में लगा था, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा है मॉड। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अंदर लॉक के अंदर जो भी चीजें ये सब लिखी हैं ये सब कैसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ऐसा पता चल गया। सॉल्व कर लेते हैं इस कंडीशन को। तो फैक्टराइज करने से ये क्वाड्रेटिक एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बना रहा है ग्रेटर देन जीरो। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो हमने सीखा है, एक्स की वैल्यू वन और टू जो आ रही है उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे वन और टू, और राइट मोस्ट पे लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, फिर देखेंगे कि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली है तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा। प्लस वाला रीजन एक ये है और प्लस वाला रीजन एक ये है। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ से? एक्स मिल रहा है माइनस इनफाइनाइट से वन तक। वन पे ओपन लगाऊं कि क्लोज? वन पे ओपन ब्रैकेट लगाऊं कि क्लोज ब्रैकेट लगाऊं? ओपन ओपन लगाता हूँ ना, ओपन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं था। ओके, यूनियन मुझे ओपन टू से इनफाइनाइट तक भी चलना है। तो ये एक्स की वैल्यूज आई है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से क्या मिला था? राइट हैंड से हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड टू, वन टू छोड़ के बाकी सब चलेगा। तो जो राइट हैंड से एक्स आया था और जो लेफ्ट हैंड से एक्स आया है, इन दोनों में से जो कॉमन एक्स की वैल्यू होगी वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे देख के बताओ कि दोनों में कॉमन एक्स का क्या क्या है वैल्यू। इन दोनों में से एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है जो दोनों में आ रही हैं, वही फाइनल आंसर होने वाला है अपना। बस सर रियल नंबर नहीं, देखो यहां पर कह रहा है, यहां पर कह रहा है वन से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और यहां कह रहा है सब कुछ होना चाहिए। तो बताओ वन से अगर हम बड़ा ले लें, लेट सपोज 1.5 लेते हैं, तो क्या वो सेकंड में है, इस वाले में है 1.5? नहीं तो क्या वो कॉमन बन सकता है? कॉमन तो वो चीजें होती हैं जो दोनों में आती हैं, सर, है ना, तो कॉमन का फंडा मतलब दोनों में आना चाहिए। तो मतलब जो छोटा वाला पोर्शन है ना वही आंसर हो जाता है, ये सेकंड वाला ही आंसर हो जाएगा, नहीं तो कॉमन लेना कैसे है? शायद एक बार आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से कर देता हूँ। एक नंबर लाइन बनाओ और वन टू ये सब नंबर आपको दिख रहा है इसमें, तो वो सब मार्क कर लो नंबर लाइन पर, वन दिख रहा है टू दिख रहा है, ठीक है मार्क कर लेते हैं। और नंबर लाइन के ऊपर के तरफ एक आंसर आप शेड करो, नंबर लाइन के नीचे के तरफ दूसरा आंसर शेड करो। तो पहला आंसर इसको पकड़ लेते हैं, कह रहा है कि ऑल रियल नंबर वन और टू छोड़ के, वन और टू छोड़ना है तो मतलब वन पर ओपन ऐसा हॉलो सर्कल बनाना होगा, टू पर भी हॉलो सर्कल बनाना होगा, बाकी ये सब चलेगा, इधर भी सब चलेगा और इधर भी सब चलेगा। देखो भाई मैंने ये वाला आंसर बनाया है, सही है क्या? हाँ सर, चलो हाँ अब इस सर, वाले आंसर को बनाते हैं नंबर लाइन पर। यहां पर कह रहा है वन और टू तो छोड़ना इधर भी है, लेकिन वन से कम वाला चलेगा ना, पहले क्या कह रहा है वन से कम वाला, तो वन को छोड़ देना है
और वन से कम वाला चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू को छोड़ देना है और टू से बड़ा वाला चलेगा, बड़ा वाला चलेगा, तो टू को छोड़ के टू से बड़ा वाला ले लिया। अब हमें लेना है कॉमन। कॉमन लेने के लिए आप ऐसी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो जो दोनों आंसर को कट कर रहा हो। तो देखो यहां पर दोनों आंसर कट कर रहा है, यहां पर हम लाइन नहीं बना सकते हैं, दोनों ने कट नहीं किया है। तो अब हम इधर आ जाएंगे, यहां पर बनाएंगे, ये सब वो पोर्शन मिल गया है जो कॉमन है एक्स की वैल्यूज। तो फाइनली ठीक हमें, हाँ तो फाइनली हमें एक्स की क्या कॉमन वैल्यू मिली है, वन से छोटा मिला है, और क्या मिला है, टू से बड़ा मिला है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इफ आपको ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू लॉग बेस 3 4 प्लस लॉग बेस 3 3/4 प्लस लॉग बेस 2 64। तो ए की वैल्यू बतानी है आपको, सॉल्व करिए। करेक्ट है शेर। सेवन सेवन जो है आपका करेक्ट आंसर लग रहा है, काफी लोग बता रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए आपके पास है, ए इज इक्वल टू लॉग बेस, देखो यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 ए इंटू बी प्लस लॉग बेस 2 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू द पावर 6 लिख सकते हैं, 2 रेस टू द पावर 6। तो 4 4 कैंसिल होके यहाँ से मिल रहा है लॉग बेस 3 3 प्लस यहां से मिल रहा है 6 लॉग बेस 2 2।
अब देखो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि लॉग बेस एम एम की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, एम बस है ना, एम 1 नहीं होना चाहिए। दोनों जगह सेम नंबर आ जाता है ना, तो वैल्यू 1 आ जाती है लॉग की, बस जो दोनों सेम नंबर है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1 प्लस 6, और ये भी 1। के पास लॉग बेस एम है और 1 है ना, वो अंदर आपके पास 1 है और बेस में एम है। आपको एम का रिस्ट्रिक्शन पता ही है, बेस कैसा होता है, बेस पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता है। तो इस केस में वैल्यू जो है 0 आता है ना, ऐसे कह सकते हैं हम, या ऐसे याद रख सकते हैं कि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिंप्लीफाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ दिया हुआ है लॉग बेस 2, लॉग बेस 1/2, लॉग बेस 3x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर मैं आपको पहले एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन को आप करना। प्रॉपर्टी ये है कि पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं कि लॉग ए बी इज इक्वल टू, अगर सी लिखा है और हम लॉग को रिमूव करना चाहते हैं, लॉग को हटाना चाहते हैं, तो लॉग को अगर हम रिमूव करेंगे तो जो बेस में नंबर ए है वो आपको यहाँ पर आ जाता है राइट साइड में। तो ये बनेगा आपका बी इज इक्वल टू ए की पावर में सी, जो सी लिखा था वो ए के पावर में आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम लॉग रिमूव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास लॉग ए बी और ग्रेटर देन सी लिखा है या लेस देन सी लिखा है, कहने का मतलब इनइक्वालिटी है ना। पहले इक्वल टू लगा था, अब इक्वल टू नहीं लगा है, या तो ग्रेटर देन लगा रहेगा या लेस देन लगा रहेगा। तो इस केस में अगर हम लॉग हटाते हैं तो ये जो बेस में लिखा है नंबर ए है ना, ये कैसा है, कैसा है का मतलब 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, इस बात ये बात मैटर करेगी। कैसे मैटर करेगी, कि अगर ये नंबर ए 1 से बड़ा हुआ देन है ना, देन देन हम लॉग हटाते हैं तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, बी बचा रह जाएगा, इनइक्वालिटी जैसे लगी थी वैसे लगी रह जाएगी, ए दूसरे तरफ जाएगा, सी उसके पावर में आ जाएगा। ये तो बिल्कुल एज इट इज, जैसे ऊपर बताया वैसे ये भी हुआ। लेकिन अगर ए आपका लेस देन 1 है ना, और 0 से बड़ा तो होता ही है, तब क्या होगा। इन दिस केस लॉग हटाओगे आप तो बी बचेगा और इधर ए की पावर सी आएगा, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पहले ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये वाला, चलिए सॉल्व करिए।
हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? सर एक्स इज ग्रेटर देन वन। सर अच्छा चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। एक्स अच्छा ग्रेटर देन वन आ रहा क्या? हाँ सर। चलिए अच्छा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे बाहर वाला लॉग ही रिमूव होगा, सबसे बाहर में लॉग बेस 2 है, तो ये जो 2 है वो आने वाला है इधर, तो बचेगा आपके पास यहाँ पर लॉग बेस में 1/2 लॉग बेस में 3x ग्रेटर देन। इनइक्वालिटी का साइन हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि बेस में नंबर जो 2 है वो 1 से बड़ा है, बड़ा है। राइट? तो 2 की पावर 0 विच इज 1, तो ये आपका आ रहा है लॉग 1/2 लॉग 3x ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब हम वापस क्या करेंगे, ये 1/2 है ना, बाहर वाला लॉग हटाएंगे तो 1/2 आने वाला है दूसरी तरफ। बट यहाँ पर क्या है कि आपका जो नंबर 1/2 है वो 1 से छोटा है ना, 1/2 1 से छोटा है, तो लॉग जैसे हटता है वैसे ही हटेगा, लॉग बेस 3x बचेगा हमारे पास और राइट साइड में 1/2 की पावर 1 हो जाएगा। बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पहले ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बेस वाला नंबर 1/2 1 से छोटा था इसलिए, तो आपको मिल रहा है लॉग बेस 3x लेस देन 1/2। अगेन लॉग आप हटाएंगे तो ये बेस 3 वाला चीज दूसरी तरफ जाएगा, तो ये बनेगा आपका x लेस देन 3 की पावर 1/2, तो आपको क्या मिला, x लेस देन √3, ये आपका आंसर है। ठीक है, यस कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? सर, यानी जो लॉग बेस में जो रहता है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो बेस मतलब इज इक्वल्स टू हो जाएगा। जो बेस में नंबर है वो दूसरी तरफ गया तो क्या पूछ रहे हो आप, तो क्या होगा? लाइक 1 रेज टू द पावर हो जाएगा। हाँ, जो नंबर है बेस वाला वो नीचे आ जाता है और यहाँ पर जो हाँ नंबर है वो पावर में आ जाता है। अच्छा ओके ओके नोट कर लो आप, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। सर। यस सर अगर लॉग ए भी वो सी से छोटा होता तो फिर वो साइन अपोजिट होती ना, अगर ए 1 और 0 के बीच में होता तो। हाँ, ये लिखा तो है, ये वाला प्रॉपर्टी, यही पूछ रहे हो ना आप? नहीं सर, अगर वो ऊपर का अगर लॉग ए बी। हाँ, तो अगर ऐसा होता कि लॉग ए बी लेस देन सी है और ए आपका लेस देन 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग हटाएंगे तो बी ग्रेटर देन ए की पावर सी, यही पूछ रहे थे आप ना सुरेश? हाँ सर। ठीक है ठीक है, तो ऐसा होगा। आप ऐसे याद रखो कि इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है log base 3 log base 2 log base √5
और 5 की पावर 4, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी ये पूछा जा रहा है आपसे। सर ओके श्रेयस, 1 आ रहा है। बाकी लोग भी सॉल्व करके बताइए। चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका है log base 3, log base 2, और ये है आपके पास log 5। रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है पावर में 1/2, और यहाँ पर है पावर में 5 के 4। तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि ये 4 जो है ये जाता है ना, ये आएगा यहाँ पर है ना, जस्ट इमीडिएट लॉग के बाहर आएगा, और 4 न्यूमरेटर में रहेगा, और ये जो 5 की पावर 1/2 है ये भी बाहर आएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में रहेगा। तो लिखते हैं ये चीज, बनेगा log base 3, log base 2, 4 आएगा न्यूमरेटर में, 1/2 आएगा डिनोमिनेटर में, साथ में लिखा है log 5 5। कोई दिक्कत किसी को? तो ये log 5 5 की वैल्यू तो क्या 1 हो जाएगी? ये बन रहा है log base 3, log base 2, और 4 2 8 हो जाएगा, log 5 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट log base 3, log base 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 3, और ये 3 जो है ये लॉग के बाहर है ना, इमीडिएट लॉग के बाहर आता है, तो ये बनेगा log base 3, 3 log 2 2। अब ये log 2 2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बचेगा हमारे पास log 3 3, और log 3 3 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ लॉग ए प्लस लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग ए क्यूब प्लस लॉग ए रेज टू दी पावर 4, ऐसा चल रहा है टिल लॉग ए रेज टू दी पावर n। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी आपसे पूछा गया है। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ इस बार आपको। पहला ऑप्शन है आपका n, n+1/2 लॉग ए। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी इज n n+1 log a, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास n log a, और
ऑप्शन डी इज एन प्लस वन लॉग ए। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन। चलिए भाई ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं लोग सही है, बाकी बाकी लोग भी फटाफट सॉल्व करिए। सॉरी बी अच्छा बी। बी और किसी का कोई आंसर? यस सर इट इज बी। अच्छा बी आ रहा है। सर बी। अच्छा, चलो भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। बी के अलावा किसी ने कोई ऑप्शन नहीं बता रहे, ए सी डी तीन तीन और ऑप्शंस भी हैं अपने पास। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आपके पास है टू और लॉग में जो सारी चीजें हैं बीच में प्लस लगा है, तो मतलब लॉग के अंदर सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। लॉग ए हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए क्यूब इंटू ए रेस टू दी पावर फोर, ऐसा सब प्रोडक्ट में आ जाएगा इंटू ए की पावर एन। ठीक, तो ये ट्वाइस ऑफ लॉग ए, और ए के अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट में है सारी चीजें, ये सबका बेस जो है सेम है, बेस सेम रहता है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए की पावर में 1 + 2 + 3 + 4 टिल प्लस एन। ठीक है, ए के पावर में ये सब कुछ ऐड होके आ रहा है। तो टू लॉग ए पावर में जो 1 से लेके n है, इसका सम क्या होता है ना। तो 1 से लेके n तक का सम बताया पूछा जा रहा है। सो ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 दिख रहा है, तो इसका सम हम एपी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। दिख रहा है, एपी पढ़े हो आप ना 10th में, एपी यस सर। एपी का सम भी पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो एपी दिख रहा हाँ है आपको ना। इस एपी का फर्स्ट टर्म इज 1, इस एपी का कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 1, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, n नंबर ऑफ, into n plus 1/2। हाँ इसका नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं, एन है, एन इज एन ओनली, तो सम हो जाता है n/2। और ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, आसानी से हो जाएगा। n/2 ए है 1, एल है एन, है ना। n/2 ए प्लस एल फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल लास्ट टर्म होता है, तो सम आ रहा है n/2 1+n। याद रहना चाहिए वैसे तो, ये सब बार बार सॉल्व करने वाली चीजें नहीं है। तो n n+1/2 आएगा। log a और a के पावर में जो चीज है वो क्या आगे आ जाएगा, तो 2
के साथ n, n प्लस वन बाई टू आगे आ जाएगा, बचेगा लॉग ए। टू टू कैंसिल होने के बाद आ रहा है n, n प्लस वन लॉग ए, तो n n प्लस वन लॉग ए दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों का सही आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि 2x रेस टू द पावर लॉग 2 इज इक्वल टू 3y रेस टू द पावर लॉग 3 एंड 3 रेस टू द पावर लॉग x इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर लॉग y। दो इक्वेशंस दी हैं एक्स और वाई के टर्म्स में, आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है। सॉल्व करके बताइए एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आनी चाहिए।
कुछ आंसर आ रहा है क्या? देखो कैसे सॉल्व स्टार्ट करना है, पहले तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? जो इक्वेशन आपको दी है फर्स्ट वाली, 2x रेस टू द पावर लॉग 2 इज इक्वल टू 3y रेस टू द पावर लॉग 3। देखो पावर में लॉग है और नीचे x लिखा है, हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये चीजें तब पॉसिबल है जब पावर में से चीजें हटेंगी। पावर में से चीजें हटाने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लिख सकते हैं, है ना? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा लॉग 2x की पावर लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 3y की पावर लॉग 3। अब देखो ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये एक्सपोनेंट है, ये आगे आ जाएगा लॉग के, ऐसे ही ये भी एक्सपोनेंट जो है वो लॉग के आगे आ जाएगा, है ना? ये फायदा हुआ हमारा लॉग लेने का, है ना? लॉग हमने लिया ही इसी वजह से था। तो बनेगा ये लॉग 2 और लॉग 2x इज इक्वल टू लॉग 3 और लॉग 3y, ठीक है ना? ये बना है, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2, लॉग 2x और 3 को, लॉग 3 को हम लोग लेफ्ट हैंड पे ले ले रहे हैं, लॉग 3y बच रहा है। लॉग 3y को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 3 प्लस लॉग वाई, तो लॉग वाई की वैल्यू आ जाएगी लॉग 2 लॉग 2x अपॉन लॉग 3 और माइनस में लॉग 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर और एक बार बताऊं। अच्छा देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें हमने बोथ साइड्स लॉग ले लिया, है ना? लॉग लिख दिया दोनों तरफ। फायदा ये हुआ कि एक्सपोनेंट वाली चीज आगे आ सकती है, तो आगे आ गया लॉग 2 और यहाँ आगे आ गया लॉग 3। इस लॉग 3 को, है ना, उधर ले जाके डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया है, और इस लॉग 3y को हम लॉग 3 प्लस लॉग वाई करके लिख सकते हैं। इस लॉग 3 को भी लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस में लॉग 3 आ जाएगा, और एक तरफ आपको सिर्फ लॉग वाई बचेगा, तो ये सिर्फ लॉग वाई बचा है, ठीक है? अब हम आते हैं सेकंड वाले इक्वेशन पर। तो सेकंड इक्वेशन में आपको दिया है 3 की पावर में लॉग एक्स और 2 की पावर में, 2 की पावर में क्या लिखा है, ये लॉग वाई लिखा है, 2 की पावर में लॉग वाई। यहाँ पर भी सेम काम, है ना? दोनों तरफ हमें लॉग ले लें तो सही रहेगा। तो लॉग अगर हम दोनों तरफ लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग 3 की पावर लॉग एक्स और लॉग 2 की पावर लॉग वाई। फिर से क्या हो गया, होगा कि ये एक्सपोनेंट वाली चीज लॉग के आगे आएगा, ये भी एक्सपोनेंट वाला चीज लॉग के आगे आएगा, तो ये बन रहा है लॉग एक्स लॉग 3 इक्वल्स लॉग वाई लॉग 2। तो यहाँ से लॉग वाई की क्या वैल्यू मिल रही है हमें, लॉग एक्स लॉग 3 अपॉन लॉग 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 2, है ना? ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से जो लॉग वाई की वैल्यू मिली है उसको हम इक्वेट कर लेते हैं। चलो जी, तो लॉग वाई की दोनों वैल्यूज हम इक्वल करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से लॉग 2 लॉग 2x अपॉन लॉग 3 माइनस लॉग 3, और दूसरे इक्वेशन से लॉग वाई की वैल्यू लॉग एक्स लॉग 3 अपॉन लॉग 2। अब ये एक ऐसा इक्वेशन आ गया है जिसमें वाई एलिमिनेट हम कर चुके हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में लेते हैं एलसीएम,
तो log 2 एलसीएम log 3 आ रहा है, तो log 2 log 2x माइनस log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू log x log 3 अपॉन log 2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी फिर से बताएं क्या? चलो ठीक है फिर तो अच्छा है। तो हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉग टू जो है ये, इसको हम लोग ये लेफ्ट साइड ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो लॉग टू का होल स्क्वायर हो जाएगा लॉग टू एक्स होगा माइनस लॉग टू और लॉग थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लॉग थ्री को हम लोग ले जाते हैं राइट साइड में, तो हो जाएगा लॉग एक्स और लॉग थ्री का होल स्क्वायर। अब हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करना पड़ेगा, तो लॉग टू का स्क्वायर और लॉग टू एक्स, और ये जो टर्म है ना राइट साइड में, इसको हम लोग ले चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस करके आएगा लॉग एक्स और लॉग थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसको हम लोग ले चलते हैं राइट साइड में, राइट साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा लॉग टू और लॉग थ्री का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये जो लॉग टू इंटू एक्स है, इसको हम लोग लॉग टू प्लस लॉग एक्स करके लिख सकते हैं, तो ये बनेगा लॉग टू का स्क्वायर और लॉग टू प्लस लॉग एक्स करके लिखा जा सकता है माइनस लॉग एक्स लॉग थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग टू लॉग थ्री का स्क्वायर। इस लॉग टू स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट्स में मैं दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा लॉग टू का होल क्यूब प्लस लॉग टू का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू लॉग थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग टू इंटू लॉग थ्री का स्क्वायर। अब यहां से ये जो कांस्टेंट टर्म मिला है इसको भी हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, है ना, इक्वल्स के राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। चलिए करते हैं, तो आपके पास बच रहा है यहां से लेके यहां तक, ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में रह जाएंगी, लिखता हूं मैं। और इन दोनों में से देखो लॉग एक्स में कॉमन ले सकता हूँ, ले लेता हूँ कॉमन लॉग एक्स, तो बचेगा आपके पास लॉग टू का स्क्वायर माइनस लॉग थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास लॉग टू लॉग थ्री का स्क्वायर पहले से था और ये टर्म जाएगा राइट साइड में, तो माइनस का लॉग टू होल क्यूब बनेगा राइट साइड में से। माइनस लॉग टू मैं कॉमन लेता हूं, है ना, माइनस लॉग टू कॉमन लेता हूं, तो क्या बचेगा आपको, बचेगा लॉग टू का होल स्क्वायर माइनस लॉग थ्री का होल स्क्वायर। लेफ्ट में है आपके पास लॉग एक्स लॉग टू का होल स्क्वायर माइनस लॉग थ्री का होल स्क्वायर। देखो ये लॉग टू स्क्वायर माइनस लॉग थ्री स्क्वायर, ये लॉग टू स्क्वायर माइनस लॉग थ्री स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो आपको मिल रहा है लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग टू। जैसे एक्सपोनेंट आगे आ जाता है उतर के, वैसे ही इस माइनस को हम एक्सपोनेंट में वापस चढ़ा भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा log x इक्वल log 2 की पावर माइनस वन, दोनों तरफ से log रिमूव कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है 2 की पावर माइनस वन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन था
थोड़ा छोटा था, उसी में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखो जो है आपका, इसमें log x है ना, log x है, और ये log x के जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। देखो log x की वैल्यू क्या है, यहां से माइनस log 2 है ना, माइनस log 2 है, माइनस log 2 हम वहां पुट कर रहे हैं log x के जगह, माइनस log 2 रखना है log x के जगह, तो बनेगा आपका log y इज इक्वल टू माइनस log 2 log 3 अपॉन log 2, log 2 log 2 कैंसिल, log y इज माइनस log 3, माइनस को फिर से हम पावर में भेज सकते हैं, तो 3 की पावर माइनस 1 log y है, log log रिमूव कर देंगे तो y की वैल्यू 1/3 है, तो ये आपका आंसर है x 1/2 y 1/3। सर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डाउट है। हाँ बोलो ना। सर वो log 2 जो लेफ्ट में टॉप में मल्टीप्लाई हुआ वो log 2 का स्क्वायर बराबर है, फिर उसके बाद log 2x को मल्टीप्लाई नहीं किया ना, है तो ये मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा हाँ है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर y की वैल्यू कैसे एक बार बताओ। हाँ ये देखो आपके पास यहाँ पर log x की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर आपको आया था log x का वैल्यू माइनस log 2, ठीक है, तो ऊपर गए और ऊपर चलते हैं, ये देखो ये आपका जो सेकेंड इक्वेशन था यहाँ पर, इसमें ये जो log x था इसके जगह पर हम वैल्यू पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, माइनस log 2 है ना, तो log x के जगह हमने लिख दिया माइनस log 2, तो log 2 log 2 कैंसिल होने के बाद बच रहा है माइनस में log 3, और इस माइनस को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं कहाँ, एक्सपोनेंट में, तो 3 की पावर माइनस 1 आ गया, log log रिमूव करने के बाद y आ गया 1/3, ठीक है। ओके सर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं, थोड़ा नहीं सर, ज्यादा ही है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं है, अभी तो छोटा ही क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर होना था कि कैसे जाना है, तो कैसे जाना है वाली बात मैंने एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखते हुए थी बताया था, क्या बोला था कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो अननोन है, दो अननोन को हम दो इक्वेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, या तो एलिमिनेट करें है ना, एक चीज को हटा देते हैं, एक्स और वाई दो चीजें दिख रही हैं, या तो ऐसा करो कि दोनों जगह से एक्स का वैल्यू निकाल के, या एक जगह से एक्स का वैल्यू निकाल के दूसरे जगह पुट करो, या एक जगह से वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे जगह वाई की वैल्यू पुट करो, ठीक है। मैंने वही फंडा यूज किया, देखो फर्स्ट इक्वेशन से भी मैंने इस तरह से चीजें सिंप्लीफाई करी कि मैंने लॉग वाई की वैल्यू निकाली, और दूसरा इक्वेशन भी मैंने इस तरह से सॉल्व करा कि लॉग वाई का वैल्यू निकाला, और दोनों लॉग वाई की वैल्यू को यहां मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करते ही वाई हो गया गायब, तो सिंपल बस सॉल्व करना रह गया, एक्स की वैल्यू आ गई सॉल्व करते करते, ठीक है। चलो जी, सर थोड़ा ऊपर करो ना।
कर लिया नोट, चले आगे। हाँ सर, चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ऐसा कि कोई भी नंबर के पावर में हम एक्सपोनेंट लगा दें कुछ, सो दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लिख सकते हैं हम लोग इस फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए की पावर सम वेरिएबल एक्स। अब देखो यहाँ पर पहले तो समझो ए और एक्स क्या है। ए जो है वो कुछ भी कांस्टेंट नंबर है, ए क्या है, कुछ भी कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इस ए पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये कांस्टेंट नंबर ऐसा ऐसा होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ये है कि ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेम रिस्ट्रिक्शन विच वॉज अप्लाइड ऑन द बेस ऑफ लॉगरिदम, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, लॉग के बेस वाला नंबर जो ए था उसमें भी यही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, तो वही ए है यहां पर भी। और जो पावर में एक्स है वो आप सोच के बताओ कि क्या क्या हमें रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ए पता चल गया है। ए कैसा है, ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए, बस वन नहीं होना चाहिए। मतलब हम 0.1 रख सकते हैं, हम ए के जगह पावर में एक्स लगा सकते हैं, हम यहाँ पर 10 रख सकते हैं, 10 की पावर एक्स लगा सकते हैं, हम 3/4 रख सकते हैं, पावर में एक्स लगा सकते हैं। तो एक्स क्या क्या हो सकता है बताइए। देखो एक्स में आप क्या करो ना, आपको समझने में सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तीन टाइप के नंबर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। एक एक करके पुट करके देख ही लो कि कहां पर कोई दिक्कत आ रहा है क्या। तो लेट सपोज मैंने ये वाला उठा लिया 10 की पावर एक्स, और इस एक्स में मैं एक बार चलो जीरो रख देते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो 10 की पावर जीरो क्या होगा, 10 की पावर जीरो वन। करेक्ट है, कोई भी नंबर पे जीरो लगाते हैं तो वन होता है। हम एक्स पे कोई नेगेटिव नंबर लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं -1 लगाते हैं, तो 10 की पावर -1 मतलब 1/10 का मतलब 0.1। ठीक है, चलो कोई पॉजिटिव नंबर लगा देते हैं 2, तो 10 की पावर 2 100 हो जाता है। तो सोचो अब कोई ऐसा नंबर है रखने से जो प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, एक्स हम कुछ भी रख सकते हैं, वी कैन पुट एनी नेगेटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर या जीरो भी। तो यहाँ पर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर विच इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो कि इस फंक्शन का डोमेन है आपका। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा रखने से हमें मिल क्या रहा है वो सोचना है। तो हमने कोई भी नंबर लिया था उस पे पावर, हम देखो जीरो लगाए तो वन मिला, नेगेटिव लगाए तो भी नंबर जो आया वो एक पॉजिटिव नंबर ही आया, और जब पावर टू लगाए तो भी पॉजिटिव नंबर मिला। तो क्या कभी नेगेटिव आउटपुट आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता है, हमेशा जो रेंज होगा इसका वो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, क्या आउटपुट जीरो आ सकता है? हाँ, अच्छा कौन से केस में? सर अगर हम एक को जीरो नहीं ले सकते ना, नहीं ये पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो हाँ, लिखा हुआ है सो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, ये हाँ, पूरी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती है। तो हमेशा जो भी रहेगा वो जीरो से बड़ा ही रहेगा, जीरो नहीं आएगा। तो मतलब जीरो ओपन पे लगाना है, जीरो नहीं आ रहा है, और ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर भी हमें मिल सकता है, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकते हैं
ये आपका रेंज हो जाएगा इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है वो देखो कैसा दिखता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है आपका फिर से वही बात होगी कि ए पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। कौन से दो पार्ट में ब्रेक होगा? एक जो होगा ए आपका वो ग्रेटर देन वन होगा और दूसरा जीरो से वन के बीच वाला होगा। तो पहला जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो वन से बड़े के लिए, जब ए वन से बड़ा होगा तो आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, जहां पर ये कोऑर्डिनेट जहां पर वाई एक्सिस को कट किया है ये 1.0.1 है, ठीक है। और अगर आपका ए जीरो से वन है तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, कहाँ टच करेगा? इनफाइनाइट पे टच करेगा, है ना, ऐसा छोड़ देंगे, इनफाइनाइट पे टच करेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेम 0.1 है। तो ये आपके एक्सपोनेंशियल के ग्राफ हैं ए की पावर एक्स के। अब देखो जैसा मैंने बताया ए जो है यहाँ पर ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत पहले? तो एक नंबर है जिसका नाम है ई, है ना, एक नंबर है जिसका नाम है ई। ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है समथिंग अप्रोक्सीमेटली 2.71 डैश डैश डैश। ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी 2.7 के आसपास है, ये ई है। तो एक फंक्शन ऐसा मैं लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, बताओ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है? है ना, एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि नीचे कांस्टेंट रहता है, तो ई कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ कांस्टेंट है ना, ई की वैल्यू फिक्स्ड है, यही रहता है, चेंज नहीं होने वाला है। और पावर में जो एक्स है वो वेरिएबल है, तो यस दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक शक्ल है, एक फेस ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा दिखेगा। एक्सपोनेंशियल के नाम पे आप बोलोगे ए की पावर एक्स ही होता है, इतनी बार इसको देखोगे आप आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ई की पावर एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर। इसके लिए भी डोमेन रेंज सेम रहेगा, यहां पर भी हम एक्स के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। और वैसा रखने पर रेंज क्या मिलने वाला है? सब कुछ मिलने वाला है विच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसके लिए भी ग्राफ सेम रहेगा, है ना, आपका ग्राफ ऐसा रहेगा इफ ए इज ग्रेटर देन वन। जनरली हम लोग इसी केस की बात करते हैं जब तक बोला ना जाए। तो यहां पर देखो आपका ई जो है, ई ये ई की वैल्यू 2.7 है, तो 2.7 वन से बड़ा है कि नहीं है? हाँ वन से बड़ा है, तो डेफिनेटली यही वाला ग्राफ जो है इसका बनेगा, है ना, यही वाला ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ये वाला नहीं बन सकता है, ये कब बनता है? जब ए वन से छोटा हो, लेकिन e की वैल्यू तो 2.7 है ये हमें पता है, तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ये e की पावर x का ग्राफ है। सर एक बार रिपीट करना है। हाँ देखो मैं फिर से बताता हूँ, अगर फंक्शन आपको दिखे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसमें हमें पहले तो ये पता है कि e की वैल्यू समथिंग अराउंड 2.7 होती है। और अगर e जो है वो 2.7 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े वाले के लिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा वाला होता है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। डोमेन बात करें तो ऑल रियल नंबर होगा, रेंज की बात करें तो सेम
जीरो से बढ़ाएगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे हैं। हालांकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करना है, तो वहां पर डिटेल में ऑलरेडी देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मतलब नाम एटलीस्ट जानते ही हो आप थोड़ा बहुत, फिर भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, और फंक्शन जो है ना, फंक्शन फिनिश नहीं हुआ है। इनफैक्ट फंक्शन के बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। फंक्शन दोबारा 12th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है, तो अभी कम से कम दो बार हम लोग और पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। हालांकि बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, तो ये ऐसा मत सोचना कि यही सारी चीज़ें दोबारा से सिर्फ पढ़ाई जाएंगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड डे एवरीवन।